नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जी ये तो इजी है चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेज के लिए आज हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे और उनको डिस्कस करेंगे। इसके लिए आपको प्रतिशतता की प्रारंभिक जो जानकारी है वो होनी आवश्यक है। परसेंटेज के लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है इंट्रोडक्टरी, उसको आप देख सकते हैं। उसका मैं लिंक मैंने शेयर कर दिया है अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन में। इसके साथ साथ आप लाभ और हानि का जो मैंने वीडियो बनाया है वो भी आप देख लें, तो क्योंकि लाभ और हानि में भी प्रतिशतता का काफ़ी यूज़ होता है, तो वहाँ भी हमने परसेंटेज के कुछ कंसेप्ट ऐसे डेवलप कर लिए हैं, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो चलिए वैसे हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, व्हेन द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वॉज रिड्यूस बाई 20%, इट्स सेल्स इंक्रीज बाई 80%, वाट वॉज द नेट इफेक्ट ऑन द सेल। तो क्वेश्चन ये है कि किसी आर्टिकल की, किसी एक्चुअली किसी वस्तु की जो कीमत है वो रिड्यूस कर दी गई है 20%, ठीक है ना, जिससे उसकी सेल यानी बिक्री जो है वो 80% बढ़ जाती है। तो वॉट वॉज द नेट इफेक्ट ऑन द सेल। अब देखिए, यहाँ पे भी सेल वर्ड यूज हुआ है और यहाँ पे भी सेल वर्ड यूज हुआ है, तो आपको दोनों में पहले तो डिफ्रेंशिएट करना है कि एक्चुअली दोनों में फर्क क्या है। यहाँ मैं आपको छोटी सी टिप देना चाहूंगा। टिप यह है कि यदि आपको क्वेश्चन समझ ही ना आए, अगर आप क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हैं, तो या तो आप उसको समझने की कोशिश करिए, और अगर आप फिर भी नहीं समझ पा रहे तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। क्योंकि कभी कभी ये होता है कि क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप उसका आंसर कभी नहीं निकाल सकते जब तक आपको वो क्वेश्चन ही ना मालूम हो कि एक्चुअली उस क्वेश्चन का मतलब क्या है। तो यहाँ हम देखते हैं एक्चुअली इसका मतलब क्या है। वो ये कहना चाह रहा है कि पहले मान लीजिए कोई वस्तु एक्स थी, ठीक है ना, ये एक्स बिक रही थी, तो इसका जो रेट था, मान लीजिए उसका रेट आर था, और बिकने के कितने नंबर ऑफ आइटम बिक रहे थे, मान लीजिए एन बिक रहे थे, ठीक है ना। तो रेट में तो हमने 20% की रिडक्शन कर दिया, और जो उसके पीसेस बिक रहे थे उस एन में इंक्रीज हुआ एन प्लस 0.8 एन, है ना, ऐसे इंक्रीमेंट हुआ। तो यानी 0.18 मीन्स 80% का इंक्रीमेंट हो गया। अब वही कहना चाह रहा है कि मान लीजिए ये दुकानदार का गल्ला है, ठीक है, यानी कैश बॉक्स है। तो यहाँ पे दुकानदार पहले जब वो आर रेट से एन चीजें बेच रहा था तो उसके पास कुछ आर एन रुपीज आ रहे थे, टोटल कुछ रुपीज आ रहे थे। अब जो नया आर डैश और एन डैश है, इनको बेचने के पास उसके पास एक्चुअली कितने रुपीज आ रहे हैं, तो वो सेल का मतलब जो सेकंड सेल है, जो ये सेकंड सेल है, इस सेकंड सेल का मतलब एक्चुअली है कि उसके कैश बॉक्स पे सेल में इन टर्म्स ऑफ रुपीज में क्या फर्क पड़ रहा है ना। इसका मतलब पहले हमें ही समझना चाहिए। तो जैसा हमने सोचा है वैसा ही हमें बिल्कुल करना है। हम मान लेते हैं कि आर्टिकल का जो पहला रेट था मान लीजिए आर था, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ जो आर्टिकल बिक रहे थे पहले मान लीजिए एन बिक रहे थे, क्योंकि यहाँ दो चीज़ दी हुई है इसीलिए हम दो चीज़ मान लेंगे, तीन चीज़ दी होती तो तीन मान लेते हैं। अब सेल कितनी होगी, एक्चुअली सेल इतनी होगी आर इंटू एन। इनमें रिलेशन क्या है, आर इंटू एन का रिलेशन है। कहीं रिलेशन अपॉन का भी हो सकता है कि अपॉन का भी होता, लेकिन यहाँ अपॉन का रिलेशन नहीं है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, क्योंकि वस्तु का रेट है आर और कितनी वस्तुएं बिकी हैं, एन बिकी है। इसका मतलब टोटल कितने पैसे मिले दुकानदार को, आर इंटू एन, तो हमने आर इंटू एन रख लिया। ये तो था अभी हमारा सबसे पहला सिनेरियो। अब जो सेकंड सिनेरियो, सेकंड सिनेरियो में क्या है, क्या हो गया कि आर जो है वो 20% घट गया, इसका मतलब आर रह गया 0.8 आर। ये 0.8 आर कहाँ से आया ये हम सब जानते ही हैं, जहाँ हमने कंसेप्ट डेवलप किए थे, फिर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। 0.8 आर कैसे आया, आर में से हमने 20% ऑफ आर घटाया, तो 20% ऑफ आर क्या होता है, 0.2 आर, इट मीन्स 0.8 आर। तो ये आपको एक ही बार में लिख देना है 0.8 आर। और अब कितने एक्चुअली उसकी वस्तुएं बिक रही हैं, इनटू उसकी वस्तुएं बिक रही हैं 80% एक्स्ट्रा, यानी 1.8 एन। वन तो जो वही है जो पहले एन था, यानी 80% एक्स्ट्रा का मतलब क्या हुआ, एन प्लस 80% ऑफ एन, यानी एन प्लस 0.8 एन,
इट मीन्स 1.8 n। तो ये हम पहले पहले अपने वीडियोस में डिस्कस भी कर चुके हैं, तो इसको हम 1.8 n लिखेंगे सीधे, ठीक है ना। तो एक्चुअली मेरे को ये क्वेश्चन कैसा करना चाहिए था, मेरे को सीधे लिखना चाहिए था कि मान लीजिए मैंने अपने मन में सोचा कि r रेट है और n वस्तुएं बिक रही थी, तो अब कितनी बिक रही होंगी, 0.8 r इंटू 1.8 n, ये सेल हो रही है टोटल जो उसके कैश बॉक्स में जा रहा है। इसको हमने कैलकुलेट कर लिया, दिस इज 1.44 r n। तो आर एन हम जानते हैं ये हमारा सबसे पहला जो हम देख रहे थे, मतलब बिना डिस्काउंट दिए जो बिक्री थी वो थी। तो अब 1.44 का मतलब हुआ कि एक्चुअली 44% इंक्रीज हो गया। इसको हम देख के डिकोड कर सकते हैं, है ना। 1.44 का मतलब 1 तो वही था जो पहले था, 0.44 हमें बता रहा है कि 44% इंक्रीमेंट हो गया, ठीक है ना। तो ये एक्चुअली एक लाइन का आपका क्वेश्चन था, ये आपको लिखना था सिर्फ, और इसको आपको डिकोड करना था ऐसे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन दोस्तों है हमारा, 10% ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ अ विलेज हैविंग डाइड ऑफ कॉलेरा, अ पैनिक सेट इन ड्यूरिंग विच 25% ऑफ द रिमेनिंग इनहेबिटेंट्स लेफ्ट द विलेज। द पॉपुलेशन इज देन रिड्यूस टू 4050, फाइंड द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स। ये क्वेश्चन भी वन लाइन का ही है दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। किसी गांव में कॉलरा की वजह से 10% जो इनहेबिटेंट्स थे वो उनकी डेथ हो गई। उसके बाद कोई पैनिक क्रिएट हुआ गांव में, यानी कि दहशत का माहौल आया। उसके बाद 25% जो थे बचे हुए इनहेबिटेंट्स, उनके 25% जो थे उन इनहेबिटेंट्स ने विलेज को छोड़ दिया। तो अब जो करंट उन्होंने दे रखी है कि 4050 है, तो ठीक है इसको हम एक लाइन में लिखते हैं। मान लीजिए कि ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे x, 10% क्योंकि मर्ज गए थे कॉलरा की वजह से, इसलिए अब कितने रह गए, 90%, यानी 0.9x, ठीक है। उसके बाद पैनिक क्रिएट हुआ और 25% जो है वो गांव छोड़ के चले गए, यानी अब कितने रह गए, 75%, यानी इसके 75%, ठीक है। और अब जो पॉपुलेशन रह गई वो इज इक्वल टू है 4050 के। तो हमको डायरेक्ट ऐसे ही लिखना है, x इज इक्वल टू 4050 अपॉन 0.75 इंटू 0.9। या हम 30 बढ़ा के इनको खत्म कर सकते हैं, और हम 25 से देख सकते हैं ये 25 से कितनी बार कटेगा। कैलकुलेटर का इसका आंसर आएगा सीधे ले तो, नौ से देख लेते हैं। और 3 से, यानी बी इज अवर राइट आंसर। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम इसके कंसेप्ट पहले ही डेवलप कर चुके हैं, तो इसको समझने में हमें कोई परेशानी नहीं। यहाँ हम देख रहे थे कि 25% ऑफ द रिमेनिंग इनहेबिटेंट्स थे, तो रिमेनिंग हमारे कितने थे, 0.9x। हमें इसी के आगे 0.75 को लिखना है। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि रिमेनिंग अगर 25% छोड़ गए थे तो रहे कितने होंगे, 75%। हमको ये दिमाग में रखना है। ये रखना है कि 10% अगर उनकी डेथ हो गई थी तो अभी तक हैं कितने, 90% है। तो हमको 10% की जगह 90% हमने यहाँ यूज़ किया, 25% की जगह हमने 75% यूज़ किया। तो ये थोड़े से हमें, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन हमको डायरेक्टली नहीं गिवन होगी, हमको इन्फॉर्मेशन इनडायरेक्टली गिवन होती है, क्योंकि परसेंट तो टोटल मिला के 100 ही होना है, 100% होना है। तो अगर 25% ने छोड़ दिया था तो 75% बचे रहे होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, द प्राइस ऑफ शुगर गोज अप बाय 20%। इफ द हाउसवाइफ वांट्स द एक्सपेंसेस ऑन द शुगर टू रिमेन इन द सेम, शी शुड रिड्यूस द कंजम्पशन बाय। तो ये भी
वेरी इजी क्वेश्चन है दोस्तों। यहां हमें देखना है, हमारे पास दो एक्चुअली वेरिएबल है, एक तो है प्राइस, ये हिडन है इंफॉर्मेशन, और हिडन क्या बोल के साफ साफ आपको दिख ही रही है। दूसरा है कंजम्पशन, बस आपको इसको फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। दो चीजें हैं, और एक्सपेंस को जो है वो चाह रही है कि सेम रहे, तो एक्सपेंस का प्राइस और कंजम्पशन से क्या रिलेशन है। अगर कोई हम शुगर की ही मान लीजिए यहाँ बात कर रहे हैं, तो अगर शुगर का जो प्राइस कहें या इसे हम कहें रेट, एक्चुअली जो शुगर का जो रेट है ना, वो रेट और कंजम्पशन का क्या संबंध है, कि जितना रेट है यानी जितना आप उसका प्राइस है और कितना कंजम्पशन कर रहे हैं आप, ठीक है ना। मान लीजिए कितने केजी में कर रहे हैं, तो अगर रेट आपको पर केजी में दिया है, तो आप रेट इंटू कंजम्पशन से गुणा करेंगे तो आपको एक्सपेंस मिल जाएगा। तो ये आपको कांस्टेंट रखना है, यानी जो हाउसवाइफ है उसका बजट जो है वो फिक्स है कि मेरे को शुगर पे मान लीजिए 100 रुपीज खर्च करने हैं तो 100 ही करने हैं, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि मान लीजिए जो पहला रेट था, बिना प्राइस जब अप नहीं हुए थे, तब रेट आर था और कंजम्पशन मान लीजिए सी था, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या हो गया, इज इक्वल टू लगा लेते हैं, क्योंकि आर और सी हमको कांस्टेंट रखना है। आर और सी क्या है, ये हमारा एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस शुड बी इक्वल टू व्हाट होना चाहिए। अब जो प्राइस बढ़ गए हैं 20%, तो 20% प्राइस बढ़ गए यानी रेट बढ़ गया, तो अब कितना हो गया होगा, रेट 1.2 आर नया रेट, ठीक है। और कंजम्पशन कितना है वो हमें एक्चुअली निकालना है, तो कंजम्पशन मान लेते हैं कि सी डैश नया कंजम्पशन है। ये दोनों बराबर होने चाहिए क्योंकि एक्सपेंस दोनों का बराबर है, ठीक है ना। सिंपल सी इक्वेशन है, तो सी डैश इज इक्वल टू आर सी अपॉन 1.2 आर। तो आर सी आर कैंसिल आउट हो गया, ये बचा सी बाई 12, सी बाई यानी 10 बाई 12 इंटू सी। तो 10 बाई 12 इंटू सी को हम देख सकते हैं कि 5 बाई 6 सी हो गया ये, ठीक है ना। यानी जो नया सी डैश है एक्चुअली वो घट गया, वो कितना रह गया, पहले सी का 5 बाई 6 टाइम्स रह गया, यानी कि ये तो इतना रह गया है, तो कम कितना हुआ होगा, कम हुआ होगा 1 1 बाई 6 सी। यहां हम इसको देख सकते हैं कि सी माइनस 5 बाई 6 सी कम हुआ होगा, यानी सी माइनस सी डैश, कि पहले कंजम्पशन सी था, अब कंजम्पशन कितना है, सी डैश, ठीक है ना। तो हम देखते थे कि ये 1 बाई 6 सी आ गया, ठीक है। तो इसका परसेंटेज निकालना है हमें, परसेंटेज निकालने के हमारे पास कई तरीके हैं। तो पहला तरीका तो ये है जो हम सबसे पहले, जो बिल्कुल बेसिक तरीका है, कि जो भी डिफरेंस आया उस डिफरेंस को हम किसी बेस पे निकालते हैं परसेंटेज। तो यहाँ हमारा बेस है सी, पुराना कंजम्पशन, तो 1 बाई 6 सी जितना डिफरेंस आया अपॉन सी इंटू 100, ठीक है। तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं, यानी 1 बाई 6 इंटू 100 ऐसे निकाल सकते हैं। सेकेंड हमारा क्या तरीका है, जैसा हम करते ही आ रहे हैं, हम ये कहते हैं कि 20% ऑफ सी इज वॉट, 0.2 सी, ठीक है ना। या अगर हमें इसको लिखना होगा, 0.2 को हम लिखते हैं, यानी 0.2 इंटू 100 यानी 20% ऑफ सी। तो ऐसे ही हमारे यहाँ है 1 बाई 6 सी, तो 1 बाई 6 को करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 1 बाई 6 इंटू 100 इतना परसेंट होना चाहिए एक्चुअली वो सी का। तो सी का कितना परसेंट है, वो यहां से हम निकाल सकते हैं 50/3, यहां से भी 50/3 ही आया था, ठीक है ना। 50/3 इज इक्वल टू 16 2/3, तो हमारा आंसर है बी। ये सब हम अपने जो भी ये कंसेप्ट है ये हम डेवलप कर चुके हैं, ठीक है ना। तो हमें एक्चुअली परसेंटेज में, हम यहां देखते हैं एक और डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा, ये मान लीजिए हमें परसेंटेज में, जैसे यहाँ हमें 5/6 सी आया था सी डैश, और पहला हमारा सी सी ही था, ठीक है ना। अब वो हमें इसमें से पूछ सकता है कि कितनी परसेंटेज ऑफ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, तो यहाँ तो घटा है, तो हम कहते हैं परसेंटेज ऑफ डिक्रीमेंट कितना हुआ, ठीक है ना। यानी सी से सी डैश हो गया कंजम्पशन, तो हमें उसको निकालना है। तो एक्चुअली उसका सीधे हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं सी डैश माइनस सी अपॉन सी इंटू 100, यही तो मतलब हुआ। दूसरा तरीका ये, वो ये पूछ सकता है कि एक्चुअली अब जो कंजम्पशन है सी डैश वो कितना परसेंट है सी का,
ठीक है ना। तो हमारा इक्वेशन होना चाहिए सी डैश अपॉन सी इन 200, ये भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है ना। तो ये हमें बेसिक इनक्वालिटी, बेसिक जो हमारी इक्वेशंस हैं वो हमें याद रखनी है, जो फॉर्मूला है वो हमें समझ के याद रखना है कि एक्चुअली क्या है। यहाँ तो परसेंटेज इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट की बात हो रही है, और यहाँ पे बात हो रही है कि अब कितना कंजम्पशन पुराने वाले कंजम्पशन का कितना परसेंट है, ठीक है ना, यहाँ इसकी बात हो रही है। तो इन दोनों को हमको डिकोड करना आना चाहिए और ऐसी एनकोड भी करना आना चाहिए। हमको एक्चुअली मालूम होना चाहिए कि हम क्या निकालना चाह रहे हैं। तो क्वेश्चन में हमने देखते ही देख लिया था कि आर सी इज इक्वल टू 1.2 आर इंटू सी डैश था, सी डैश की वैल्यू हमने कैलकुलेट की 1/6 सी, ठीक है ना। अगर आपको ये निकालना रहता, ठीक है, तो आप यहीं से निकाल सकते थे, 5/6 × 100 कर लेते हैं उसे आप। लेकिन आपको निकालना है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, तो यानी हमने देखा कि वो 1/6 सी है, तो 1/6 को हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखा हमने जी, ये तो इजी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, इन अ फैक्ट्री 60% ऑफ द वर्कर आर अबव 30 ईयर्स, एंड ऑफ दीज 75% आर मेल्स एंड रेस्ट आर फीमेल्स। इफ देयर आर 1350 मेल वर्कर अबव 30 ईयर्स, द टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन द फैक्ट्री। ये भी हमारा वन लाइन का क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं। मान लीजिए जो नंबर ऑफ वर्कर्स थे फैक्ट्री में वो कितने थे, एक्स, ठीक है ना। तो 60% ऑफ वर्कर अबव 30 एज है, यानी कितने हैं, 0.6x। इसमें से 75% मेल्स हैं, यानी कितने हैं इसके, 75% मेल्स, और इनकी जो संख्या है वो कितनी है, 1350। यानी हमारे जो फैक्ट्री में वर्कर हैं वो कितने हैं, 1350 अपॉन 0.75 × 0.6, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए देखते हैं 25 से ये कितनी बार जाता है, अपॉन 18, 3000। 3000 इज माई राइट आंसर। तो ये वन लाइन क्वेश्चन है। यहां हमने क्या देखा, हमें एकदम जैसे ही हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ हमको कई सारी चीजें ऑब्जर्व करनी चाहिए। तो हमने यहाँ क्या क्या चीजें ऑब्जर्व की, अभी हम इसको थोड़ा सा आप डिस्कस कर लेते हैं। ये मैं आपको लिख के एक लाइन में इसलिए दिखाया है कि आप ये समझे कि एक्चुअली ये क्वेश्चन इतना ही लेंदी है, ठीक है ना। तो यहां हमें दिया है एक्चुअली इनडायरेक्टली और डायरेक्टली देखते हैं कि यहाँ उसने कहा है कि 30 ईयर से अबव जो मजदूर हैं वो 60% है, ठीक है ना। अगर हम इसको 30 एज मान लें तो इधर 60% है, इट मींस 40% जो रहे होंगे वो 30 से कम वाले रहे होंगे, ठीक है ना। ये इंफॉर्मेशन हमको गिवन है 40%, ठीक है ना, एक तरीके से हिडन है ये, हालांकि हमको इसकी जरूरत नहीं है यहाँ इस क्वेश्चन में, लेकिन हमको ये बातें तुरंत हमारे माइंड में चलती रहनी चाहिए, है ना, पीछे से चलती रहनी चाहिए कि 40% ये है। फिर वो कहता है कि इसी 60% की 75% जो है क्या है, मेल्स हैं, और इसका मतलब 25% फीमेल रही होंगी, ये भी हमारे माइंड में चलती रहनी चाहिए। अब यही क्वेश्चन इसी तरीके से आ सकता था, यही क्वेश्चन इसमें वो क्वेश्चन में पूछ सकता था कि बिलो 30 ईयर एज के, ठीक है ना, कितने एम्प्लॉई हैं, वो ये पूछ सकता था, ठीक है ना। तो हमने क्योंकि एक्स की वैल्यू तो फाइंड आउट कर ही ली जो क्वेश्चन गिवन है, इट मींस अब मुझे 0.4x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यह वो पूछ सकता था कि लेडीज की जो 30 ईयर्स, जो फीमेल्स हैं जो 30 ईयर एज से अबव हैं, उसकी आप संख्या बताइए, तो वो कितनी होती। एक्स तो हमने फाइंड आउट कर ही लिया था, तो एक्स का पहले हम 60% निकालते हैं यानी 0.6x, और उसकी भी 25% यानी ये वैल्यू मुझे चाहिए होती। तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं हमको एक्चुअली, लेकिन जितनी भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है वो हमारे माइंड में पीछे सबकॉन्शियस माइंड में चलती रहनी चाहिए कि हमको क्या गिवन है, हमको क्या कैलकुलेट करना है।
और हम उसको आराम से एक लाइन में अपने लिख सकते हैं, एक नहीं तो दो लाइन में हम उसे आराम से लिख सकते हैं। हमें अपने जितना भी हम अपने माइंड को जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना हमको कम लाइन लिखनी पड़ेंगी और वो डायरेक्ट आप सीधे नतीजे पर पहुँचेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो आपने देखा कि ये कितना इजी है। चलिए आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, इन एन एग्जामिनेशन देयर वर 1000 बॉयज एंड 800 गर्ल्स, 60% ऑफ द बॉयज एंड 50% ऑफ द गर्ल्स पास्ड, फाइंड द परसेंटेज ऑफ द कैंडिडेट फेल्ड। तो इस क्वेश्चन को हम कई तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि पहला तरीका यह है कि हम ये देखते हैं कि एक्चुअली फेल कितने कैंडिडेट हुए, है ना। तो बॉयज में से कितने फेल हुए, एक्चुअली 1000 का 40% इतने बॉयज फेल हुए, और गर्ल्स कितनी फेल हुई, 800 का 50%, क्योंकि 50% पास हुई हैं, 50% ही फेल हुए होंगे। तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, 1000 का 40% निकालना बहुत इजी है, 400, एंड ऐसे ही 800 का 50% यानी आधा, ये भी 400 है। इसको एक्चुअली हमें लिखने की ज़रूरत नहीं थी, हम ऐसे ही ओरली ही कैलकुलेट कर सकते थे कि ये 800 होगा। तो एक्चुअली हमें क्या निकालना है, 800 बाई 1800, क्योंकि टोटल जो छात्र हैं या टोटल जो कैंडिडेट हैं वो 1800 हैं, 1000 जिसमें बॉयज़ हैं और 800 गर्ल्स हैं। तो दिस इज़ वेरी इजी। तो आप इसको देख सकते हो कि अब हमारा जो क्वेश्चन रह गया वो सिर्फ इतना रह गया, तो हमको इसको ही कैलकुलेट करना है। परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा फ्रैक्शन है उस फ्रैक्शन में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारा हो गया 4/9 × 100, इसको हमें कैलकुलेट कर लेना है। तो जो भी आप कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेट करके ये आएगा 44.44%, दैट इज सी। तो दोस्तों हमने जैसे कि हम कहते हैं, इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं, है ना। तो एक तरीका तो हमने देख लिया जो कि बिल्कुल ही इजी है, क्योंकि क्वेश्चन ही बहुत इजी है। लेकिन हम एक और इसको दूसरे एंगल से देखते हैं, ठीक है। वो एंगल हमारा क्या है, मान लीजिए हम देखते हैं कि 1000 जो बॉयज थे, है ना, वो एक्चुअली कितने 1000, मतलब उसमें से कितने फेल हुए, 40%, और 800 में से कितनी गर्ल्स फेल हुई, 50%, ठीक है, ये हमको मालूम है। अब हम इसको दूसरे तरीके से देखते हैं। मान लीजिए हम पहला सिनेरियो लेते हैं, अपनी कंसेप्ट हम डेवलप कर रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा क्वेश्चन से हटते भी हैं और देखते हैं कि क्या एक्चुअली हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर पहला सिनेरियो ये होता है कि बॉयज़ भी 50% ही बॉय फेल हुए होते और 50% गर्ल्स फेल हुई होती, तो क्या हमको इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत थी? नहीं, हम डायरेक्ट ही कह सकते थे कि एक्चुअली 50% बच्चे फेल हुए, हमें कुछ भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ना होती। हमें फिर इसको निकालने की ज़रूरत नहीं थी कि इसका मतलब 500 बॉयज़ फेल हुए और 400 गर्ल्स फेल हुई, इट मीन्स टोटल 900 फेल हुए, फिर हम 900 को 1800 के निकालते कि कितना परसेंटेज हुआ, तो हम कहते 50% फेल हुए। ऐसा हमें करने की ज़रूरत ना होती, क्योंकि 50% बॉयज़ फेल हुए, आधे बॉयज़ फेल हुए, आधी गर्ल्स फेल हुई, इसका मतलब टोटल आधे बच्चे फेल हो गए, ये हम बड़े आराम से कह सकते हैं, हमें इसको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे ही दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि मान लीजिए अब इसी को ले लेते हैं, दूसरे सिनेरियो में इसी को ले लेते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि 40% बॉयज़ फेल हुए और 50% गर्ल्स फेल हुई, इसका मतलब टोटल में से 40% तो फेल हुए ही हुए, ठीक है ना। ये क्योंकि परसेंट के टर्म में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये तो 40 है ही और ये भी 40+10 है एक्चुअली, ठीक है ना। इसका मतलब 40% तो फेल हुए ही हुए, ये बात तो तय है, और इसका मतलब जो भी हमारा ऑप्शन होगा वो 40% से ज्यादा वाला ही होगा। हो सकता है आपको ऑप्शन में 39 दे रखा हो या 38 दे रखा हो, तो वो तो आप डिस्कार्ड कर सकते हैं कभी भी, वो आप सोच सकते हैं कि वो तो आंसर आएगा ही नहीं इसका मतलब। लेकिन ये जो 10% है इसको हमको मैनेज करना है, तो हम ये देख सकते हैं कि ये 10% एक्चुअली कितना बना।
तो इस 10% को हम देख सकते हैं, क्योंकि ये 800 का 10% है, तो हमने 800 का 10% देखा कितना है 80, और 80 1800 का कितना परसेंट है ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये आएगा 4.44%। इसका मतलब 40 से 4.44% वो ज्यादा है, यानी 44.44% जो हमारा आंसर था, ठीक है ना। अब आपको इस यहां पे तो ये लग रहा होगा कि ये तो फालतू में हम इतना काम कर रहे हैं, इतना काम करने की हमको जरूरत नहीं है, हम क्यों ऐसा करें। तो आप इसका आप इसको अप्रिशिएट जरूर करो। क्यों करो अप्रिशिएट? क्योंकि मान लीजिए यहां तो आपको जो फिगर्स दे रखी थी बहुत ही इजी दे रखी थी। मान लीजिए आपको वो देता कि 37% बॉयज फेल हुए हैं, ठीक है, और इधर 43% गर्ल्स फेल हुई है, और यहाँ नंबर भी एब्जर्ड सा होता, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ 973 लड़के हैं और मान लीजिए यहाँ 443 गर्ल्स हैं, मान लीजिए, तब आपको इसको कैलकुलेट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती। तब आप इसको कैलकुलेट करना इजी होता कि 37 तो फेल हुए ही हुए हैं। अब 37 और 43 में कितना डिफरेंस है? 6 का। तो यानी 443 का 6% आप निकालते और टोटल जो छात्र हैं उनसे डिवाइड करते और वो इसमें ऐड कर देते उनका परसेंट निकाल के। तो आप इसको अप्रिशिएट करिए कि एक्चुअली ये मैं यहाँ क्या आपको बताना चाह रहा हूँ। इस क्वेश्चन के लिहाज से तो चलिए ये इतना आवश्यक नहीं है, लेकिन आपको किसी दूसरे क्वेश्चन में ही जरूर हेल्प कर सकता है। तो ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारे हैं दोस्तों, यहाँ हमने दो क्वेश्चन लिए हैं क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं, तो हम इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। इफ ए सैलरी इज 25% मोर देन डेट ऑफ बी, देन हाउ मच परसेंट बी सैलरी लेस देन डेट ऑफ ए। यदि ए की जो सैलरी है वो बी से 25%, बी की सैलरी से 25% ज्यादा है, तो बी की सैलरी ए से कितनी कम है? तो हम इसको 25% नहीं कह सकते, तो हम समझ ही सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते? तो वो हम देख लेते हैं। जिन लोगों को समझ में आता है कि क्यों नहीं कह सकते उनके लिए ठीक है, जो नहीं कह सकते उनको हम कैलकुलेट करके दिखा देते हैं कि ऐसा क्यों है। तो हमने ये सबसे पहले परसेंटेज पढ़ते हुए डिस्कस किया था कि परसेंटेज में हमेशा एक बेस होता है, बिना बेस के परसेंटेज नहीं होता। तो पहली जो हमारी एक्चुअली जो हमारी सैलरी है वो क्या है? ए बेस बी, यानी जो ए की सैलरी है वो बी की सैलरी का अगर हम उसका फ्रैक्शन निकालेंगे तो वो आएगी 1.25, यही तो आएगी। यानी जो ए की सैलरी है वो एक्चुअली बी की सैलरी का 1.25 है, क्योंकि 25% एक्स्ट्रा है। यह हम ऐसा कह सकते हैं कि ए माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू 0.25, ऐसे आएगा, ठीक है ना। दोनों ही बातें ठीक हैं, हम इनको समझ रहे हैं कि इनका मतलब क्या है। ए माइनस बी का मतलब क्या है? कि ए की जो सैलरी जो ज्यादा है, कितनी ज्यादा है? 25% ज्यादा है। और यहां हम कह रहे हैं कि ए की जो सैलरी है एक्चुअली वो कितनी है? बी की 125% है। तो दोनों ही बातें हैं, इनको हमको मैथमेटिकल टर्म में हमने इनको ऐसे लिख सकते हैं हम। और यहां हमें गौर करने वाली बात क्या है कि यहां बेस में बी है, ठीक है ना, क्योंकि बी की सैलरी से कंपैरिजन हो रहा है, बस यही सारा खेल है। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? हम सीधे लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू 1.25 बी। हम ए मान लेते हैं कि ए की सैलरी है, बी मान लेते हैं बी की सैलरी है, तो ए की सैलरी कितनी रही होगी? 1.25 बी, ठीक है, ये हमें मालूम हो गया। अब हम ये देख लेते हैं अपने क्वेश्चन में आते हैं कि हाउ मच परसेंट बी सैलरी लेस देन डेट ऑफ ए। तो वो हमें एक्चुअली क्या निकालना है? हमें निकालना है कि बी की सैलरी कितनी लेस है। तो बी की सैलरी लेस होगी कितनी? बी माइनस ए हम निकालेंगे तो ये निगेटिव में आएगा आंसर, ठीक है ना, क्योंकि बी की वैल्यू एक्चुअली कम है। तो यानी बी कितना है? बी तो बी है ही, और ए की कितना है? 1.25 है, क्योंकि हमको ये गिवन है 1.25 बी, सॉरी, ठीक है ना। तो ये तो हो गया हमारा कितनी लेस है या कितनी ज्यादा है। तो यहां पे लेस है तो ये आ गया -0.25 बी, ठीक है, और हमें इसका परसेंटेज निकालना है। तो 0.25 बी अपॉन यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा ए, क्योंकि हमें ए की एक्चुअली ए की एक कंपैरिजन में निकालनी है वो सैलरी, ठीक है ना, इनटू 100। फ्रैक्शन से हमें इनटू 100 करना पड़ता है, ठीक है ना,
ताकि वो परसेंटेज के फॉर्म में आ जाए। तो ये होगा 0.25b अपॉन 1.25b इंटू 100, ठीक है ना, यानी 25 अपॉन 125 इंटू 100 ऐसे होगा। इसके लिए आपको कोई भी ट्रिक रटने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इतना बोल दिया, वरना इतना इतना लंबा ये क्वेश्चन है नहीं। अब हम इसको देखिए, हम इसको हटा के दोबारा देखते हैं। तो चलिए हम इसे दोबारा देखते हैं। हम दोबारा से यही इस बात पे मैं एम्फेसाइज करूंगा कि सारा जो खेल है वो किसका है, बेस का। सारा खेल बेस का है, ठीक है ना। तो पहली इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है कि ए की सैलरी बी से 25% ज़्यादा है, यानी 1.25 बी है। ये हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब हमसे कह रहा है कि हाउ मच परसेंट बी सैलरी लेस देन दैट ऑफ ए। तो हमें एक्चुअली निकालना क्या है, हमें निकालना है बी माइनस ए अपॉन ए, ये तो फ्रैक्शन हो गया, इंटू 100। हमको ये कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो ये सब बी के टर्म में हम लिख लेते हैं। हम लिख लेते हैं बी माइनस 1.25 बी अपॉन 1.25 बी इंटू 100। तो हमने इसको कैलकुलेट करके देखा कि ये कितना आया, माइनस 0.25 बी अपॉन 1.25 बी इंटू 100, यानी कि 25 अपॉन 125 इंटू 100। निगेटिव का साइन आएगा, निगेटिव के साइन का मतलब है कि वो लेस है सैलरी। या आप सीधे लिख सकते हो कि लेस कितनी है, आप यहाँ माइनस की जगह यहाँ पे डिफरेंस ले सकते हो कि इनका डिफरेंस कितना है, क्योंकि हमें मालूम है लेस है सैलरी, लेस है तो हमें निगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है। तो हम इस कंक्लूजन पहुंचे कि सारा जो खेल है एक्चुअली वो बेस का है। चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला। इफ ए सैलरी इज 30% लेस देन डेट ऑफ बी, हाउ मच परसेंट बी सैलरी मोर देन दैट ऑफ ए। ये भी बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन क्या है, एक्चुअली ए इज इक्वल टू 0.7 बी, ये क्वेश्चन है। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है बी माइनस ए अपॉन ए, क्योंकि ए के कंपैरिजन में निकालनी है हमें कि ए बी की सैलरी ए से कितनी कम या ज्यादा है। तो बेस ए चेंज हो जाएगा इनटू 100। तो बी की सैलरी अब कितनी है, मान लीजिए बी है, ए की कितनी है, 0.7 बी है, ये अपॉन, एक्चुअली हमें ए की सैलरी कितनी है, 0.7 बी, हमें 0.7 बी लगाना है इंटू 100, यानी कि आ गया 0.3 बी अपॉन 0.7 बी इंटू 100, यानी 3/7 इंटू 100%। दिस इज माई आंसर। तो आपने देखा कि इसके लिए आपको कोई ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। बस आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि हम यहाँ पे एक्चुअली सिर्फ बेस चेंज हो रहा है। शुरुआत में एक्चुअली आपको दिया हुआ था ए अपॉन बी इज इक्वल टू 1.25। अगर आप इसको लिखोगे तो ऐसे ऐसा लिख सकते हो, यानी बी के बेस पे आपको दिया हुआ था कि ए की सैलरी बी की सैलरी का 25% ज्यादा है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, इफ ए एक्सीड्स बी बाय 40%, बी इज लेस देन सी बाय 20%, देन ए रेशो सी इज। इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें एक्चुअली इस क्वेश्चन में हमको सारे ए बी और सी को हमें एक किसी के टर्म में लिखना है, चाहे हम बी के टर्म में लिख लें, चाहे हम सी के टर्म में लिख लें, चाहे हम ए के टर्म में लिख लें, किसी के भी टर्म में लिख लें, और उसके बाद हमें ए रेशो सी निकालना है। तो पहले हम कंडीशन लिख लेते हैं कि ए एक्सीड्स बी बाय 40%, इट मीन्स ए इज इक्वल टू 1.4 बी, एक्सीड्स बाई 40% है, ना कि 40% है, यानी कि ये नहीं है कि ए इज 40% ऑफ बी, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम लिखते 0.4 बी, इट यहाँ पे लिखा है एक्सीड्स, यानी उससे उतना ज़्यादा है। तो ज़्यादा में हम एक तो जोड़ेंगे ही, उसके बाद 40% और जोड़ेंगे, ठीक है ना। और नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, नेक्स्ट हमें गिवन है कि बी इज लेस देन सी बाई 20%, यानी बी इज 0.8 सी, एक्चुअली ये गिवन है हमको, ठीक है ना। तो हमारे पास दो इक्वेशन हो गई कि ए इज इक्वल टू 1.4 बी एंड बी इज इक्वल टू 0.8 सी। तो ए और सी का हमें रेशियो निकालना है, तो बहुत ही सिंपल है। तो दोस्तों यहां हम देख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू 1.4 इंटू 0.8 सी, ये है, और सी तो सी है ही। तो ए
अपॉन सी इज इक्वल टू, इसी को हम सी को नीचे ले आए तो क्या हो जाएगा, 1.4 इंटू 0.8, इसको हम कैलकुलेट करें तो 1.12, ठीक है ना। और अगर हम इसको और देखेंगे, अगर हम इसको और, क्योंकि हम रेशियो इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो इसको हम क्या लिखेंगे, हम अपॉन में 100 लगा के ऐसा कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा और कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 56/50 हो गया, और ये हो गया 28/25, मीन्स ए इज अवर राइट आंसर। तो सेकेंड क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि इन एन एग्जामिनेशन अ स्टूडेंट हु गेट्स 20% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स फेल्स बाई 5 मार्क्स, अनदर स्टूडेंट हु स्कोर्स 30% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स गेट 20 मार्क्स मोर, द नेसेसरी परसेंटेज रिक्वायर्ड फॉर पासिंग इज। एक्चुअली क्वेश्चन ये है कि किसी स्टूडेंट ने, कोई स्टूडेंट है उसने अगर 20% मार्क्स स्कोर किए मैक्सिमम मार्क्स के, ठीक है ना, तो वो 5 मार्क्स से फेल हो जाता है, यानी 5 मार्क्स कम है उसके। और जो दूसरा स्टूडेंट है, अगर उसने 30% मार्क्स स्कोर किए हैं, तो जो मैक्सिमम मार्क्स उसको, 30% मार्क्स जो गेन किए हैं उसने मैक्सिमम मार्क्स के, तो उसको 20 मार्क्स जो है वो ज़्यादा मिलते हैं पासिंग मार्क्स से। एक्चुअली ये क्वेश्चन है, तो नेसेसरी परसेंटेज हमें निकालनी है फॉर पासिंग, यस पासिंग के लिए नेसेसरी परसेंटेज क्या है, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को कई तरीके से करते हैं, तो पहले हम देख लेते हैं कि बिल्कुल मैथमेटिक्स के अगर तरीके से करेंगे तो हम कैसे करेंगे। तो मैथमेटिक्स ये कहते हैं कि मान लीजिए मैक्सिमम मार्क्स है m, तो 0.2m इज इक्वल टू है, पासिंग मार्क्स हम मान लेते हैं p, तो पासिंग मार्क्स है 5 मार्क्स कम, ठीक है। और 0.3m यानी 30% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स कितना है, पासिंग मार्क्स से 20 मार्क्स ज्यादा, ठीक है। तो हम मैक्सिमम मार्क्स पहले निकाल सकते हैं, तो मैक्सिमम मार्क्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट में सेकंड में से फर्स्ट घटा देते हैं, सेकंड में से अगर हम फर्स्ट घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा 0.1 m, p से p कैंसिल होगा और ये बचा 25, यानी 10% जो है वो 25 है, तो मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे, 250, ठीक है। हमें मैक्सिमम मार्क्स पता चल गए तो हम बता सकते हैं कि पासिंग के लिए एक्चुअली कितने मार्क्स चाहिए, तो 250 का 20% निकालते हैं हम, 250 का 20% कितना होगा, 50, ठीक है ना, इसका 20% होगा 50, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 50 में से 5 मार्क्स कम आए थे, यानी कि 50 में हमें 5 और जोड़ने हैं, यानी 55 मार्क्स एक्चुअली पासिंग परसेंटेज है, पासिंग मार्क्स हैं, ठीक है ना। यानी हमने इसी क्वेश्चन का यूज करते हुए 0.2 m निकाला, प्लस 5 करेंगे तब इज इक्वल टू p आएगा, तो 0.2 m की वैल्यू आई हमारी 50, और हमने इसमें 5 मार्क्स और जोड़ने हैं पासिंग वाले, वो हमने देखा तो पासिंग मार्क्स जो है वो आए एक्चुअली 55, तो 55% हमें निकालना है कि 250 का कितने परसेंट है, ठीक है। तो वो हम निकाल सकते हैं 50/250 इंटू 100, ये भी निकालने के कई तरीके हैं, क्योंकि एक्चुअली 250 क्या है, 250 के लिए जो 2.5 है वो 1% की वैल्यू है, ठीक है। तो 50 जो हमने अभी निकाला, हम 55 को कैसे लिख सकते हैं, हम 55 को लिख सकते हैं 55 इज इक्वल टू एक्चुअली 50+5, तो 50 तो हमने अभी निकाला कि 20% है, ठीक है। और 5 हम देख रहे हैं, 5 क्या है, 2.5 + 2.5, 2.5 मतलब 1%, 2.5 मतलब 1%, 1% ऑफ 250, ठीक है, इसका मतलब 2%, इसका मतलब टोटल हो गया 22%। तो 22% जो है वो हमारे पासिंग मार्क्स हैं। तो पहला तरीका तो एक यही है, इसमें भी हम कई सारी ऑब्जर्वेशन करके एकदम ही आंसर पता लगा सकते हैं, जैसे हमने यही ऑब्जर्वेशन कर ली थी कि हमारे जो जो मार्क्स आए थे मैक्सिमम मार्क्स वो आए थे 250, ठीक है ना, और हमने निकाला कि जो 20% मार्क्स आए वो 50 आए, यानी वहां से 5 मार्क्स एक्चुअली एक्स्ट्रा आए, तो हमको ये निकालने की जरूरत ही नहीं है। हम ऐसे ये भी देख सकते थे कि
कि 20% प्लस 5 ये हमारे पासिंग मार्क्स हैं, तो इट मींस 20% तो है ही, 20% से ज़्यादा ही है पासिंग मार्क्स। बस हम 5 को देख लेते हैं, जैसा हमने एक प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था कि हम 5 को देख लेते हैं कि 5 कितना परसेंट है 250 का। तो 5 कितना परसेंट है, एक्चुअली 2% है, तो यानी टोटल जो पासिंग मार्क्स हैं वो 22% है। ये जो हमने मतलब दो दो अननोन और दो इक्वेशन हमने बना ली। अब हम थोड़े दूसरे तरीके से चलते हैं। दूसरा तरीका क्या है, हम अब थोड़ा सा इमेजिन करते हैं। इमेजिनेशन इज़ वेरी नेसेसरी इन मैथमेटिक्स, हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि इमेजिनेशन बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए एक नंबर लाइन है, ये लाइन है ना, 100% की लाइन है, 20% पहले स्टूडेंट ने गेन किए थे, और मान लेते हैं कि ये पासिंग मार्क्स है, ये पासिंग मार्क्स है, ठीक है, तो उसके कितने मार्क्स के यहाँ कम रह गए, 5 मार्क्स। ऊपर हम मार्क्स लिख रहे हैं, ठीक है, और नीचे हम परसेंटेज लिख रहे हैं, ठीक है। और जिसको 30% मार्क्स मिले, ठीक है, उसे मिले, मान लीजिए 30% मार्क्स इतने मिले, ये 30% है, ये और आगे तक मान लेते हैं 100%। लेकिन पासिंग मार्क्स से उसे कितने मार्क्स ज़्यादा मिले, एक्चुअली उसे मार्क्स मिले 20 मार्क्स ज़्यादा मिले, ठीक है, वेरी गुड। अब हम देखते हैं, हम यहाँ से डायरेक्ट अंदाजा लगा सकते हैं कि मैक्सिमम मार्क्स कितने रहे होंगे। हमें देख रहे हैं कि ये 20% किसका है, मैक्सिमम मार्क्स का 20% है, ये मैक्सिमम मार्क्स का 30% है। तो इट मींस मैक्सिमम मार्क्स का जो 10% है, 20 और 10 के बीच की दूरी कितनी है, ये 5 और ये 20, यानी इन दोनों के बीच की दूरी है एक्चुअली 25, यानी 10% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 25 है, ठीक है ना। यानी मैक्सिमम मार्क्स कितने रहे होंगे, 250 रहे होंगे। तो ये तो हम बड़े आराम से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर 10% कोई चीज का हमें मालूम है 25 है, तो 100% कितनी होगी, उसको 10 से गुणा कर देंगे, 250 होगी। यानी हमें मैक्सिमम मार्क्स कैलकुलेट करने की एक्चुअली इक्वेशन लिखने की जरूरत ही नहीं थी, हमको सिर्फ मन में ये सोचना था कि इन दोनों में डिफरेंस कितना है। ये फिक्स पॉइंट है पासिंग मार्क्स वाला पी, 20% और 30% के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 25 मार्क्स की, ठीक है, 10% जो है वो 25 मार्क्स है। तो 10% एक्चुअली किसके होते हैं, मैक्सिमम मार्क्स के, ठीक है। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे, जब 10% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स है 25, तो मैक्सिमम मार्क्स होंगे 250। तो ये बात हमें यहाँ से पता चल गई। अब हमें ये पता चल गई कि इसका 1% कितना होगा, 2.5, और 2% कितना होगा, 5। तो क्योंकि ये 5 मार्क्स ज़्यादा हैं 20 से, तो एक्चुअली ये 2% इधर है, ठीक है ना, यानी 22%। या हम 30 से कह सकते हैं, क्योंकि 5 मार्क्स 2% के बराबर हैं, इसलिए 20 मार्क्स 8% के बराबर होंगे। तो यानी वो 30% वाले से कितना पीछे है, 8%, यानी पी जो है वो एक्चुअली 22% पे है। तो पासिंग मार्क्स हमारे कितने हैं, 22%। तो हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे वैसा कर सकते हैं। ये वो तरीका, ऊपर जो हमने डिस्कस किया था, ये वो तरीका है जो बिल्कुल प्योर मैथमेटिक्स से चलता है, जिसमें आपको कोई इमेजिनेशन, कोई ट्रिक करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे इक्वेशन बनाएंगे, सीधे आंसर निकाल सकते हैं। ये जो हमारा तरीका है, इस तरीके हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं। तो ऑब्जर्वेशन तो हमें कंटिन्यूस करनी है, और कई सारे जो हमें चीज़ें हैं, जैसे हमने यहाँ देखा कि 2.5 इज 1% ऑफ 250, हमने इसका भी बड़ा ब्यूटीफुली यूज़ किया। तो हमें ये ऑब्जर्वेशन रेगुलरली अपने क्वेश्चंस में करते रहनी है ना। तो और उसके हिसाब से हम बहुत जल्दी कैलकुलेशन करना कर सकते हैं, पूरी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ऑब्जर्वेंट रहना बहुत ज़रूरी है किसी भी क्वेश्चन में। चलिए, हमने देखा एक काफ़ी इजी क्वेश्चन था, बस हमने इसको क्योंकि थोड़ा डिस्कस कर लिया, इसलिए थोड़ा सा लेंथी हो गया, लेकिन ये इतना लेंथी क्वेश्चन है नहीं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 50% ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 30% ऑफ एक्स प्लस वाई, देन व्हाट परसेंट ऑफ एक्स इज वाई।
तो व्हाट परसेंट ऑफ एक्स इज वाई, यानी हमको एक्चुअली क्या निकालना है, हमें निकालना है वाई इज व्हाट परसेंट ऑफ एक्स। तो यानी बेस हमारा एक्स रहेगा, वाई हमें कैलकुलेट करना है, यानी वाई अपॉन एक्स इंटू 100, ये हमें कैलकुलेट करना है। वाई अपॉन एक्स तो हमारा एक फ्रैक्शन हो गया, उस फ्रैक्शन को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हमें ये कैलकुलेट करना है, हमें ये ध्यान रखना है। तो हमें इक्वेशन क्या दिया है, हमें इक्वेशन दिया 50% ऑफ एक्स माइनस वाई। 50% मीन्स 0.5, या आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं 50 अपॉन 100। 50% मीन जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये 0.5 ही आएगा। तो 0.5 एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0.3 एक्स प्लस वाई, ठीक है ना। हम इसको देख लेते हैं, 0.5x माइनस 0.5y इज इक्वल टू 0.3x प्लस 0.3y। हम x और y के टर्म एक तरफ ले लेते हैं, हम देखते हैं ये हो जाएगा 0.2x और ये हो जाएगा 0.8y, ठीक है ना। तो बस हमें क्या कैलकुलेट करना है, y अपॉन x। तो हम y अपॉन x अगर कैलकुलेट करें, अगर हम इनको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के थ्रू सॉल्व करें तो y अपॉन x क्या आ जाएगा हमारे पास, y अपॉन x आ जाएगा 0.2 अपॉन 0.8, ये आ जाएगा। और हमें क्या निकालना है, इंटू 100, हमें ये निकालना था ना, तो हम इसमें इंटू 100 दोनों तरफ और कर देते हैं, इंटू 100 इंटू 100। तो ये हम देखते हैं कि एक्चुअली 25% आ जाएगा, ठीक है ना। ए इज माई राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, रमन सैलरी वॉज डिक्रीज बाई 50% एंड सब्सिक्वेंटली इंक्रीज बाई 50%, हाउ मच परसेंट डज ही लॉस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई सैलरी थी, मान लीजिए इतनी सैलरी थी, पहले उसको 50% बढ़ाया, उसके बाद 50% घटाया, ठीक है ना। तो देखने में तो एकदम ये लगता है कि उसको कोई भी लॉस नहीं हुआ, यानी 0% लॉस हुआ है, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है ना। इसको समझते हैं कि ऐसा क्यों है। चलिए हम इसको एक इमेजिन करते हैं, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कई बार कि इमेजिनेशन बहुत जरूरी है मैथमेटिक्स में। तो एक बार इमेजिन करते हैं कि एक्चुअली ऐसा हुआ क्यों। तो हम ये मान लेते हैं कि ये मान लीजिए ओरिजिनल सैलरी थी, ठीक है। अब 50% इंक्रीज हुई, 50% मतलब आधी बढ़ गई, आधी हम मान लेते हैं, मान लीजिए इतनी और बढ़ गई, ठीक है ना। यानी ये 100% थी, इसके बाद इसकी 50% और बढ़ गई, यानी अब टोटल जो हो गई है यहां से यहां तक वो 150% हो गई है ना, मतलब डेढ़ गुनी हो गई। कुल मिला के कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। अभी मैं फिलहाल इसे हटा देता हूं। अब वो कह रहा है कि 50% रिड्यूस हुई, 50% रिड्यूस हुई, ओके। अब हमारे पास टोटल सैलरी यहां से यहां तक है, ठीक है। अब इसको 50% रिड्यूस करना है, तो 50% रिड्यूस करना है तो हम इसको टर्म बाय टर्म भी कर सकते हैं। हम कहते हैं कि इसके दो टुकड़े कर देते हैं, कि इसकी भी 50% रिड्यूस हुई, यानी फिर से यहां पे आ गई सैलरी, ठीक है ना, और इसकी भी 50%, 50% मतलब आधी, यानी ये डिक्रीज हुई। तो एक्चुअली बात क्या हुई कि इतनी तो रिड्यूस हुई प्रीवियस वाली में से, और इतनी रिड्यूस हुई जो बढ़ चुकी थी उसमें से, ऐसा ही हुआ ना। यानी 50% जो रिड्यूस हुई वो दोनों में से रिड्यूस हुई। हम ऐसा मान सकते हैं कि ये अगर 100 थी और ये 50 थी बढ़ने के बाद, तो अब जब घटाएंगे 50%, तो 50% हम ये लिख सकते हैं, या तो हम सीधे ये कर दें कि 150 का 50% लेस कर दें, ठीक है ना, लेस कर दें, या हम ऐसा करें हम 100 का 50% लेस कर दें और 50 का 50% लेस कर दें, ऐसा भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ यही किया है, तो हम इसको इमेजिन कर रहे हैं। एक्चुअली इमेजिन करने में क्या हो रहा है, तो इमेजिन करने में ये हो रहा है कि ये लाइन हट गई इसमें से, तो यानी मेरे पास सिर्फ इतनी सैलरी बची जो ग्रीन कलर से मैं कर रहा हूं, और इतनी बची, सिर्फ इतनी बची, ठीक है ना। यानी कि अब अगर हम इन दोनों, इस ग्रीन लाइन और इस ग्रीन लाइन का सम करें, तो
एक्चुअली कितनी बची? तो ये तो मैं जानता हूँ ये 50 है, और ये कितनी जानता हूँ 25 है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 50 थी और यहाँ से यहाँ तक 100 थी। तो 100 का हमने 50% लेस किया तो 50 बचा, इधर 50 का 50% लेस किया तो 25 बचा, यानी कि अब जो सैलरी बची वो 75 बची, ठीक है ना? तो यानी कि उसको लॉस कितना हुआ 25% का। तो हमें क्वेश्चन ऐसे नहीं करना है, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ये तो हम आपको सिर्फ एक वो दे रहे थे, क्या एक इमेज, एक हम इसका इसको ऑब्जर्व कर रहे थे कि एक्चुअली कैसे होगा। क्योंकि इसको ऑब्जर्व करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे हम एक फॉर्मूला ड्राइव करने वाले हैं अभी, ठीक है ना? तो इसको ऐसे समझना इसलिए जरूरी है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हम बिना किसी ट्रिक के, बिना किसी टिप के हम इसको कैसे कर पाते हैं। तो इसको हम ऐसे देखेंगे कि रमेश की सैलरी मान लीजिए एक्स थी, ठीक है ना? तो वो डिक्रीज हो गई 50%, इट मीन्स अब कितनी हो गई 0.5x, यानी 50% डिक्रीज होके 50% रह गई, तो रह गई कितनी, तो हम लिखेंगे 0.5x। उसके बाद उसे इंक्रीज किया गया 50%, यानी अब इसका कितना हो गया 50% इंक्रीज होके 1.5, यानी अगर हम इन सब की गुणा करें तो एक्चुअली वो कितनी हो गई 0.75x, यानी x की 75% वो रह गई। तो एक्चुअली अब उसको, जबकि होनी पहले कितनी थी x की 100%, यानी पूरी थी 1x थी, x की 100% थी, अब रह गई 75%, यानी लॉस कितना हुआ उसे 25%। ये तो एक लाइन में इसका आंसर है। लेकिन इसका एक और ट्रिक है, इसकी ट्रिक ये है कि अगर हम ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं, इस क्वेश्चन में अगर हम ये देखते हैं कि मान लीजिए कोई इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है, और उसके बाद कोई डिक्रीमेंट हुआ, ठीक है, तो उसको हम कैसे करेंगे? उसको हम ऐसा करते हैं, इसका एक फॉर्मूला है, मान लीजिए इंक्रीमेंट हुआ है एक्स और डिक्रीमेंट हुआ है y%, ये x%, तो चेंज कितना होगा? चेंज तो चेंज होगा एक्चुअली x% प्लस y%, सॉरी x% माइनस y% माइनस x% का y%, यानी कि अगर हम इसे लिखें तो एक्चुअली होगा, अगर हम परसेंट कॉमन ले लें तो हो जाएगा x माइनस y माइनस x इंटू y बाई 100, इतने परसेंट का चेंज आएगा, ठीक है ना? तो हम देखते हैं कि इसने कहा कि पहले अच्छा, इसमें हमने अभी देखा कि पहले इंक्रीज, फिर हमने कहा डिक्रीज, तो इससे कोई फर्क नहीं है, हो सकता है पहले इंक्रीज हो फिर डिक्रीज हो सकता है पहले इंक्रीज हो फिर डिक्रीज हो, कोई इससे दिक्कत नहीं है। तो हम देखते हैं कि पहले, एक्चुअली पहले क्या हुआ है, 50% डिक्रीज की गई, ठीक है, फिर 50% इंक्रीज की गई, तो एक्स की वैल्यू तो क्योंकि वो इंक्रीमेंट है इसलिए 50 है, और वाई की वैल्यू 50 है, तो हम ये देखते हैं 50 माइनस 50 माइनस 50 इंटू 50 डिवाइड बाई 100 इंटू परसेंट, यानी कि ये तो हो गया 0 माइनस 25%, यानी -25%। माइनस का चिन्ह दिखाता है कि एक्चुअली उसे लॉस हुआ है, ठीक है ना? इसका एक तरीका भी है, अब आप ये सोचेंगे कि ये आया कहाँ से, ठीक है ना? तो ये जो हमने अभी इमेजिनेशन किया था, या तो आप इसको ड्राइव भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इमेजिन भी कर सकते हैं, जैसे हमने इमेजिन किया था, एक बार और देख लेते हैं, हमने इमेजिन किया था, जल्दी से देख लेते हैं कि ये था हमारा कुछ एक्स, कुछ 100% थी, यानी कोई मान लीजिए कोई आर्टिकल था ए, उसका हमने कुछ परसेंट इंक्रीज किया, ठीक है, मान लीजिए इतना इंक्रीज कर दिया उसे, ठीक है, एक्स परसेंट इंक्रीज कर दिया। अब हमें इसे वाई परसेंट डिक्रीज करना है, तो डिक्रीज करने के लिए हमें इसको, अब एक्चुअली मेरे पास क्या संख्या हो गई, ए प्लस ए का एक्स परसेंट, ये हो गया, ये पूरी यहां से लेके यहां तक पूरी लेंथ हो गई, तो
तो अगर जब मैं इसको वाई परसेंट डिक्रीज करूंगा, अब मैं इसको वाई परसेंट डिक्रीज करने वाला हूं, तो मैं इसको डिक्रीज ऐसे नहीं करूंगा कि मैं डायरेक्ट कर दूं, मैं क्या करूंगा ऐसे इसके दो पार्ट करूंगा, इसको भी वाई परसेंट डिक्रीज कर देता हूं मैं और एक्स वाले पार्ट को भी वाई परसेंट डिक्रीज कर देता हूं, तभी भी टोटल में वाई परसेंट डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि मैंने टोटल के दो पार्ट कर लिए, ओरिजिनल वाले को वाई परसेंट डिक्रीज करा और इस वाले को भी वाई परसेंट डिक्रीज करा, तो वाई परसेंट डिक्रीज करने के बाद मेरे पास ये पार्ट बचा और ये पार्ट बचा, इन दोनों पार्ट को मैं सम कर सकता हूं, इनको ऐड कर लूंगा तो मेरे पास टोटल आ जाएगा कि कितना बचा। तो हम ये देख रहे हैं, यहां पे हम गौर करते हैं, वैसे आप इसको मैथमेटिकली बड़े आराम से डिराइव कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैथमेटिकली इसको डिराइव करना बिल्कुल भी टफ नहीं है, लेकिन मैं आपको इसको विजुअलाइज कराना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसका मतलब यह है कि एक्चुअली क्या हुआ, पहले हमने एक्स परसेंट बढ़ाया, फिर उसमें से वाई परसेंट घटाया, और एक्चुअली जो हमारा एरिया ऑफ कंसर्न है ये हमने एक्स परसेंट का वाई परसेंट भी घटाया, तो हमने एक्स परसेंट का वाई परसेंट भी घटाया, ये हमारा एक्चुअली चेंज का फॉर्मूला है, चेंज का, ये हम ध्यान रखें कि ये चेंज का है। चेंज मीन्स लास्ट में वैल्यू हो गई मान लीजिए ए डैश और पहले वैल्यू थी ए, तो हम ए डैश माइनस ए कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ए डैश माइनस ए क्या आएगा एक्चुअली, वो आएगा एक्स परसेंट माइनस वाई परसेंट माइनस एक्स वाई अपॉन 100% ऑफ ए, इतना आएगा। तो ऐसे हम क्वेश्चन डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे अगर हम एक क्वेश्चन लेते हैं, एक सेल्फ मेड क्वेश्चन लेते हैं कि मान लीजिए किसी क्वांटिटी में, मान लीजिए ए में पहले 30% इंक्रीज किया गया और फिर 20% उसको घटा दिया गया, पहले इंक्रीज किया गया फिर 20% घटा दिया गया, तो अब बताइए उसकी उसमें कितना चेंज आया, हम चेंज की बात करते हैं कितना चेंज आया। तो चलिए पहले हम अपने नॉर्मल तरीके से करते हैं, मान लीजिए संख्या थी ए, उसको 30% बढ़ाया गया, इट मीन्स उसको कर दिया गया 1.3 ए, ठीक है ना, और फिर उसको 20% घटाया गया यानी अब वो 80% रह गई यानी 0.8 ए। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये आएगा 1.04 ए, यानी कि एक्चुअली उसमें 4% का इंक्रीज हुई वो, इसका मतलब ये है। तो ये तो हमारा नॉर्मल तरीका है जैसे हम करते हैं, अगर हम इस वाले फॉर्मूले से करना चाहें तो क्या होगा, चेंज कितना आएगा, तो हम कहते हैं चेंज इज इक्वल टू एक्स परसेंट यानी कि इंक्रीज, इंक्रीज कितना हुआ है 30% माइनस वाई परसेंट यानी 20 डिक्रीज हुआ है, माइनस का निशान लगाया है क्योंकि वो डिक्रीज ही हुआ है, फिर माइनस एक्स मीन्स 30 एंड वाई मीन्स 20 अपॉन 100, इतना चेंज आया होगा। तो कितना आया 10 माइनस 6 यानी 4%, क्योंकि ये प्लस आया है इसलिए 4% इंक्रीज। मान लीजिए क्वेश्चन लेते हैं कि कोई क्वांटिटी एक्स थी, पहले उसे 30% हमने इंक्रीज किया, फिर 20% फिर से इंक्रीज किया, अगर ऐसा है तो अब उसमें कितना चेंज आएगा। अब ये दोनों ही इंक्रीज की हैं और हम चेंज ही पूछ रहे हैं, तो पहले तो हम अपने नॉर्मल तरीके से करते हैं, मान लीजिए एक्स थी उसमें 30% इंक्रीमेंट हुआ यानी वो हो गई 1.3 एक्स, उसके बाद उसमें 20% फिर इंक्रीज हुआ यानी अब वो हो गई इसकी 1.2, तो हम इन दोनों की गुणा कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है, तो ये हो गई 1.56 एक्स, इट मीन्स उसमें 56% वो इंक्रीज हुई। और अगर हम अपना फॉर्मूला लगाएं, अब फॉर्मूले में हम देखते हैं कि यहाँ दोनों इंक्रीज ही हुए हैं एक्चुअली, तो इंक्रीज हुए हैं तो हमें फॉर्मूले में कुछ नहीं करना है, हमें एक्स की जगह पहले हमने 30 लगाया था, वाई की जगह अब हम माइनस वाई ना करके इसे प्लस वाई करेंगे क्योंकि इंक्रीज हुआ है एक्चुअली, तो हम लिखेंगे 30 प्लस 20 प्लस 30 × 20 / 100, इतने परसेंट का चेंज आया होगा, ठीक है। तो हमें सीधे
56 की वैल्यू मिलेगी। तो ये तो मिला हमारा 50 और ये हमारा हुआ 6, इट मीन्स 56% का चेंज आया। तो यानी कि हमने देखा कि एक्चुअली परसेंटेज चेंज का हम फॉर्मूला फिर से एक बार देख लेते हैं लास्ट टाइम। देखिए सबसे अच्छा तरीका तो मैं आपको यही टिप दूंगा, यहाँ मैंने आपको टिप जो मैं देना चाह रहा हूँ, वैसे तो आपको ये तरीका मालूम है, अगर आपको ये याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको याद नहीं रहता तो हमने जैसे इस तरीके से क्वेश्चन किए हैं इस तरीके से, तो आप इसी तरीके से करिए, आपको कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हम अभी तक ऐसे ही क्वेश्चन करते चले आए हैं। तो आप ना एक पाथ बना के रखिए क्योंकि हमको कंपटीशन में कई चीज़ों का ध्यान रखना होता है, तो हम कई सारी ट्रिक्स कई सारे टिप्स नहीं अपना पाते क्योंकि हमको उनको एक्चुअली याद रखना मुश्किल होता है। ये ट्रिक्स है बहुत ईजी, अगर आपको याद हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है और आप उसको यूज़ भी कर पाते हैं, तो लेकिन अगर ना यूज़ कर पाएँ या ना याद रख पाएँ तो कोई बात नहीं, ये तरीका आपके पास हमेशा अवेलेबल है, ठीक है ना। तो मैं पर्सनली इस ट्रिक को नहीं याद रखूँगा, लेकिन मैं पर्सनली हमेशा इसी ट्रिक से जाऊँगा, इसी मेथड से जाऊँगा क्योंकि ये मेथड एक्चुअली मेरे को हैंडी हो गया है ना, हमको हम इसको यूज़ टू हो गए हैं। तो हमको पेपर में एक्चुअली यही ध्यान रखना है कि हम ये सोचने लगे वहाँ बैठ के कि इसमें क्या ट्रिक लगा सकते हैं क्या ट्रिक लगा सकते हैं, जब तक हम ये सोचेंगे तब तक तो हम उतना समय वैसे ही वेस्ट कर देंगे, तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे ही कर लेंगे, हम इसको इस ट्रिक पे नहीं जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको याद रखनी है, अगर आपकी इच्छा है, तो इसको हम एक बार मेंशन कर लेते हैं एक्चुअली क्या है। तो चेंज क्या होगा दोस्तों, चेंज होगा एक्स माइनस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, ये होगा परसेंटेज चेंज, पहले इंक्रीज हुआ है फिर डिक्रीज हुआ है या पहले डिक्रीज हुआ है फिर इंक्रीज हुआ है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला यही रहेगा। और एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 होगा फॉर्मूला, ठीक है ना, कब होगा जब दोनों या तो इंक्रीज हुए हैं, ठीक है, या दोनों डिक्रीज हुए हैं, ठीक है ना, यानी इंक्रीज में भी एक्स की वैल्यू ये आएगी और वाई की वैल्यू आएगी, ऐसे डिक्रीज में भी एक्स है और वाई है, यहां इंक्रीज एक्स डिक्रीज वाई, यहां डिक्रीज वाई और इंक्रीज एक्स, डिक्रीज के साथ हमेशा माइनस का साइन आएगा ये हम ध्यान रख रहे हैं, इंक्रीज के साथ प्लस का साइन आएगा ये बात हम ध्यान रख रहे हैं, ठीक है ना। अगर इंक्रीज डिक्रीज है तो ये भी माइनस होगा और ये तो माइनस आई क्योंकि डिक्रीज वाई हो रहा था, और अगर दोनों इंक्रीज हैं या दोनों डिक्रीज हैं तो दोनों प्लस और प्लस होंगे, ठीक है ना। तो यानी हमको डायरेक्ट उसकी वैल्यू मिल जाएगी कितनी डिक्रीज है, आप इस पे क्वेश्चन कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन इस पे सॉल्व करके देखे जो सीधे इंक्रीज और डिक्रीज को बताते हो, तो आप देखेंगे कि आपका आंसर ठीक आ रहा है। तो आप अपने कमेंट लिखिएगा कमेंट बॉक्स में इनको करने के बाद, अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ डिस्कस करना रह गया है, लेकिन मैं पर्सनली आपको यही कहूँगा कि मैं अगर होता तो मैं इसी तरीके से जाता, क्योंकि इसके लिए मुझे कोई अलग से इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है इस वाले मेथड, है ना। यहाँ भले ही मुझे इस मेथड में क्या थोड़ी सी दिक्कत है, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा लेंदी क्यों हो जाता है, हल्का सा, क्योंकि हम कहते हैं 30% पहले इंक्रीज किया फिर 20% इंक्रीज किया, तो इसमें तो मुझे सीधे ही आंसर मिल गया 1.5x, मैंने देखते ही बता दिया कि 56% जो है वो 56% जो है वो चेंज हुआ है यानी इंक्रीज हुआ है 56%। लेकिन कभी कभी ये हो जाता है कि 30% इंक्रीज किया 40% डिक्रीज किया, ठीक है, तो यहां क्या होगा, यहां मुझे लिखना पड़ेगा पहले 1.3x और 40% डिक्रीज किया यानी 0.6x, ठीक है ना। तो अब मुझे इनकी गुणा करनी है, तो गुणा करके आएगा 0.78x, तो बस यहां हल्का सा क्या डिफरेंस है कि अब मुझे इसको 1 में से माइनस करके बताना है कि चेंज कितना हुआ है, यानी कि ये 78% रह गया एक्चुअली, तो चेंज कितना हुआ होगा, चेंज हुआ होगा 22% का, बस इतनी सी इसमें, और ये जो ऑप्शन ये आपको देगा डायरेक्ट आंसर देगा 22% का। इसको हम चाहें तो करके भी देख सकते हैं, क्योंकि हमने कहा 30% इंक्रीज हुआ है तो इसको हम लिखते हैं 30, 40% डिक्रीज हुआ है ना, तो हम लिखते हैं -40, और -30 इंटू 40 अपॉन 100, तो हम देखते हैं तो ये हो गया -10 और ये हो गया -12,
यानी कि -22। तो सीधे इसने आंसर हमें 22 का दे दिया। यहाँ हमें इसे 1 में से डिक्रीज करना पड़ रहा है, बस इतने सा थोड़ा सा इनमें अंतर है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन ऑफ द टॉपिक, क्योंकि कई जगह ये ट्रिक अपनाई जाती है, इसलिए हमने इसको बता दिया। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, अ मैन इन्वेस्ट ए पार्ट ऑफ ₹10,000 एट 5% एंड द रिमाइंडर एट 6%। द 5% इन्वेस्टमेंट यील्ड्स एनुअली ₹76.5 मोर देन द 6% इन्वेस्टमेंट। द अमाउंट इन्वेस्टेड एट 6% इज, इट मीन्स टोटल 10,000 का सम था मेरे पास, इसमें से कुछ हिस्सा मैंने 5% पर लगा दिया, कुछ हिस्सा 6% पर लगा दिया। मीन्स इसका मीन्स क्या है कि कुछ पैसे मैंने ऐसी जगह इन्वेस्ट किए जिनसे जो मुझे 6% का रिटर्न दे रहे हैं, ठीक है ना, और कुछ पैसे 10,000 में जो बाकी बचे पैसे थे वो मैंने 5% पे इन्वेस्ट किए जो 5% का रिटर्न दे रहे हैं एनुअली, यानी हर ₹100 पे मुझे ₹5 वापस मिल रहे हैं। ऐसे यहाँ हर ₹100 पे मुझे ₹6 का ब्याज मिल रहा है या वापस मिल रहे हैं वो, ठीक है ना। तो अब वो ये कहना चाह रहा है कि जितने आपने 5% में पैसे लगाए थे, ठीक है, उनका जो ब्याज मिल रहा है जो भी या रिटर्न मिल रहा है, वो रिटर्न इस रिटर्न से 76.5 रुपीस ज़्यादा है, यानी 5% वाला जो रिटर्न है वो 6% वाले रिटर्न से ₹76.50 ज़्यादा है। तो वो ज़्यादा कब होगा, वो ज़्यादा तभी होगा ऑब्वियसली जब इस हमने 5% वाले में ज़्यादा रुपए इन्वेस्ट किए होंगे, ठीक है ना। तो हम इसको वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इसको बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसको हम सीधे एक लाइन में जैसे दिया है क्वेश्चन बिल्कुल वैसे का वैसे ही लिख देना है इसे, बस उसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखना है। उसको हम लिखते हैं, मान लीजिए उसने एक्स रुपीज लगाए, क्योंकि हमें निकालना है 6% पे इन्वेस्टमेंट, तो जो हमें निकालना है हमें ये निकालना है एक्स, तो हम इसी को एक्स मानते हैं ताकि हमारा डायरेक्ट आंसर आए, ठीक है ना। मैं एक्स ये भी मान सकता था कि 5% लगाए हैं उसे एक्स मानूं, लेकिन इसे एक्स मानने के बजाय मैं 6% वाले को एक्स मानूंगा क्योंकि मुझे डायरेक्ट एक्स की वैल्यू चाहिए। तो मान लीजिए 6% पे उसने एक्स रुपीज लगाए, ठीक है ना, तो उस पर उसे रुपए कितने मिलेंगे, एक्स का 6% उसको मिलेगा। 10,000 रुपए में से उसने एक्स रुपीज यानी इतने रुपीज 6% वाली उसमें इन्वेस्ट किए स्कीम में या किसी जगह इन्वेस्ट किए, इट मींस अब उसको ब्याज कितना मिलेगा एक्स का 6% उसको ब्याज मिलेगा, और 5% वाली पे कितने रुपए रह गए फिर, 10,000 - x, ठीक है ना। इस पे 5% लगाए उसने, मतलब इस पे जो पैसे लगाए उस पे 5% रिटर्न मिल रहा है, तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो एक्चुअली इक्वल है 76.5 रुपीस। तो एक लाइन में ये क्वेश्चन है और हम इसको आराम से कर सकते हैं, तो इसको करने की ज़रूरत चलिए कर ही लेते हैं इसको कि क्या आएगा। तो इसको देखेंगे हम, ये आएगा 500 माइनस एक्स का 11% इज इक्वल टू 76.5। इट मीन्स एक्स का 11% इज इक्वल टू 423.5। इट मीन्स एक्स इज इक्वल टू 42350 अपॉन 11। इट मीन्स इट इज 3850 रुपीज, एक्स की वैल्यू 3850 रुपीज आ गई, दैट इज अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल आर इंक्रीज बाई 20% एंड 30%। द एरिया ऑफ द रिजल्टिंग रेक्टेंगल एक्सीड्स द एरिया ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल। तो लेंथ जो है वो 20% बढ़ा दी गई है, यानी 1.2L हो गई है मान लीजिए, और ब्रेथ जो है चौड़ाई जो है वो 30% बढ़ा दी गई है, यानी मान लीजिए 1.3B हो गई है। तो अब जो हो गया है एरिया, अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो 1.56LB हो गया है। तो LB वॉज प्रीवियस एरिया, अगर पहले L थी और B थी
तो इनका एरिया जो है वो LB था, अब इतनी हो गई है, इतनी हो गई है, तो अब एरिया एक्चुअली 1.56 LB हो गया है। इट मीन्स 56% वो इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ 20% ऑफ ए इज इक्वल टू बी, देन बी परसेंट ऑफ 20 इज सेम एज। इट मीन्स 20% ऑफ ए इज इक्वल टू बी, ये हमको गिवेन है। देन बी परसेंट ऑफ 20 इज व्हाट, ये हमको मालूम करना है। तो इसी इक्वेशन को देखिए, इसी इक्वेशन को हम किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इसी में देखिए, हमें b की वैल्यू दी है, तो हम दोनों पक्षों में b इंटू 20/100 कर लेते हैं, इधर भी कर लेते हैं 20/100 से मल्टीप्लिकेशन, और इधर भी कर लेते हैं 20/100 से मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो जाएगा 20/100 इंटू 20/100 इंटू ए, ओके, क्योंकि हम मुझे इसकी वैल्यू चाहिए थी, तो इसकी वैल्यू हम इस पहली इक्वेशन से ही निकाल सकते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या हुई, 20/100 का मतलब 5, और ये हो गई 4, यानी 4% ऑफ ए, दैट इज अवर आंसर ए। तो ये सिंपली कोई कुछ नहीं है, ये एक बस केवल मैनिपुलेशन है जिसमें आपको मैनिपुलेशन करनी है, बाकी कुछ नहीं है। हाँ, एक बात हम यहाँ से जरूर सीखते हैं, जैसे कि हम ये देखते हैं कि हमें कहते हैं कि एक्स का 40% इज इक्वल टू वाई है, मान लीजिए, यानी हम ये कहते हैं एक्स का 40% इज इक्वल टू वाई, ठीक है ना। तो इसको हम दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 40 का एक्स परसेंट इज इक्वल टू वाई होगा, ठीक है ना। तो इससे हमें एक इन्फॉर्मेशन ये मिलती है, जैसे कि हम ये कहते हैं, मान लीजिए हम कहते हैं कि 50 का 40%, ठीक है ना, कितना है एक्चुअली 20, एक्चुअली तो 40 का 50% भी 20 होगा, बस थोड़ा सा मैनिपुलेशन है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं ना। तो हर जगह यही होगा, तो हम कई इससे हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे कि हम ये कहते हैं कि 100 का 25% इज 25, 25 का 100% इज 25। और हम देखते हैं, इससे हमें एक और यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलती है, उसको भी देख ही लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। एक यूजफुल इंफॉर्मेशन हमें से ये मिलती है कि हम ये कहते हैं कि 25/100 इज इक्वल टू 1/4, ठीक है ना। यानी हम ज़्यादातर कहीं क्या यूज़ करते हैं कि 25% का मतलब 1/4 है, ठीक है। जैसे हम कहें कि एक्स का 25% निकालना है, तो हम इसको ऐसे लिखने के बजाय सीधे एक्स बाई फोर लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स का 25% मतलब एक्स का 1/4 टाइम्स, यानी एक्स का 1/4 हम ये लिख देते हैं, ठीक है ना। यानी ये 25% है, तो हम इसको ये लिख सकते हैं कि 1/4 एक्चुअली इज इक्वल टू क्या है, 25% के। ऐसे ही अगर हम इससे दोबारा इसको लिखें तो 1/25 इज इक्वल टू 4% एक्चुअली, ठीक है ना। तो आपको अगर 4% निकालना हो तो आप सीधे 1/25 कर सकते हो, या अगर आपको 1/2 इज इक्वल टू एक्चुअली क्या होता है, 50%, ठीक है ना। यानी अगर आपको 50% निकालना है तो संख्या का आधा कर लो, या 1/50 इज इक्वल टू 2%। यानी सिंपली मैंने क्या किया, मैंने इसको इधर और इसको इधर ऐसे शिफ्ट कर लिया, तो ये भी एक इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ से मिल गई। तो इस क्वेश्चन में हमने थोड़ा सा देखा, हालांकि क्वेश्चन में कुछ था नहीं, क्वेश्चन सिर्फ एक मैनिपुलेशन का क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ से हमको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल गई, तो हम आगे अपने परसेंटेज के क्वेश्चंस में ऑब्जर्व कर सकते हैं, है ना, हम उसका इस इन्फॉर्मेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड ए नंबर बाई 3/5 इंस्टीड ऑफ 5/3।
वॉट इज द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन. इट मीन्स कोई स्टूडेंट था, उसने किसी नंबर, मान लीजिए नंबर ए था, उस नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया उसने 3/5 से, जबकि उसको मल्टीप्लाई करना था एक्चुअली किससे, 5/3 से. तो ये जो थी ये ट्रू होनी चाहिए थी, ये जो है एक्चुअली उसने रॉन्ग कर दी. तो वो ये पूछ रहा है कि कितने परसेंट की एरर हुई. तो हम ये देखते हैं एरर कितनी हुई. एक्चुअली एरर की वैल्यू क्या है, एरर परसेंटेज. तो एरर निकालते हैं, एरर परसेंटेज इज इक्वल टू एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, क्योंकि हम ये जानते हैं कि परसेंटेज हमेशा किसी ना किसी बेस पे होता है. तो बेस क्या होगा उसका, जो सही वैल्यू आती वो बेस है, उसका कितने परसेंट एरर हुई है ना, इनटू 100. ये फ्रैक्शन हुआ इनटू 100 हम कर देंगे. तो एक्चुअली एरर कितनी हुई, एरर हुई, एरर को हम एक्चुअली देखते हैं डिफरेंस से, यानी जो बड़ी होगी संख्या उसमें से घटाएंगे. तो बड़ी कौन सी हमारी, ए 5/3, ये आनी चाहिए थी गुणा होके, लेकिन आई कितनी, ए 3/5 इतनी आई, क्योंकि उसने 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया ए को. तो ये तो उसकी एरर हो गई. अब यहाँ क्योंकि 5/3 बड़ा है इसलिए हमने इसको पहले लिखा है, और ये छोटा है इसलिए हमने इसको माइनस में बाद में लिखा है, अपॉन एक्चुअली ट्रू वैल्यू क्या थी उसकी, ए 5/3 इंटू 100. तो ये हमको एक लाइन में ये आंसर लिखना है. एक्चुअली हम मैंने तो इसको समझाने के लिए कि क्या फॉर्मूला है क्या नहीं है इसलिए इसको ऐसा लिख दिया, नहीं तो आपको सीधे ही लिखना था कि सही वैल्यू थी उसकी ए 5/3 माइनस जो गलत वैल्यू थी वो थी ए 3/5 जो एक्चुअली उसने निकाली, ये एक्चुअल है. तो एरर उसकी हमें पता चल गई, और ट्रू वैल्यू कितनी थी उसकी, ए 5/3 इतनी आनी चाहिए थी, तो उसी को हमने बेस में रख दिया. तो ये मेरा एक फ्रैक्शन बन गया. इस फ्रैक्शन को अगर मुझे परसेंटेज में देखना है तो मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये मेरा आंसर होगा एरर का परसेंटेज. तो हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं. ये कैलकुलेट करके आएगा 16/15a ऊपर, और नीचे आएगा 5/3a. ए से ए कैंसल आउट हो गया, इंटू 100, 16/15 इंटू 5/3, सॉरी इंटू 3/5 इंटू 3/5. तो ये हुआ 16/25 इंटू 100 रह गया, इंटू 100 डैट इज इक्वल टू 64%. 64% इज माई आंसर. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास, हमने तीन क्वेश्चन एक साथ लिए हैं क्योंकि ये पॉपुलेशन के क्वेश्चन हैं, तो ये काफ़ी पूछे जाते हैं क्वेश्चन पेपर में, एग्जाम्स में, तो हम इनको देख लेते हैं. तो पहला क्वेश्चन है, इफ़ द एनुअल इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 4% एंड द प्रेजेंट नंबर ऑफ पीपल इज 15,625, व्हाट विल द पॉपुलेशन बी इन 3 years. ओके, तो हम ये देखते हैं कि लोग ये कहते हैं कि जो पॉपुलेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें वही फॉर्मूला यूज होता है जो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए यूज होता है. तो फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू पी 1+R/100 टू द पावर एन. ठीक है, एन क्या है, एन टाइम है, तो यहां ईयर्स में है. तो जो आर के लिए टाइम है, यानी आर अगर जो है रेट है, रेट अगर पर ईयर है तो हमको एन जो है वो ईयर के टर्म में लिखना है. अगर वो पर 6 मंथ है तो हमें 6 मंथ के टर्म में लिखना है यहाँ पे टाइम. ठीक है ना, ये हम जानते ही हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला. तो यहाँ हम देखते हैं कि एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, हम इस क्वेश्चन को इसी तरह करके देखते हैं कि 4% है तो प्रेजेंट नंबर ऑफ पीपल, यानी पी, यानी जो हमारा हम इसको कहते थे मूलधन, प्रिंसिपल वैल्यू, वो है यहाँ 15625. तो हम इसको ऐसे ही लिखते हैं 15625. ठीक है, इनटू 1+R इज 4%, तो R हम 4 लिखेंगे और अपॉन 100 करेंगे. एक्चुअली ये अपॉन जो 100 आया है इसका मतलब ही है 4%, ये पूरा टर्म 4/100 इज 4%. चलिए, और इसकी पावर कितनी होगी, क्योंकि 3 साल के लिए लेना है हमें, इसलिए टू द पावर 3.
एक्चुअली ये क्या बना, 15625 इंटू 1.04 टू द पावर 3, ये हमारा आंसर होगा। आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए। अब मैं यहां आपको क्या बात बताना चाह रहा हूं, ये तो चलिए फॉर्मूला हो गया। अब मान लीजिए हम फॉर्मूले से नहीं करते, हम अपना जो जिस तरीके से हम अभी तक करते आ रहे हैं क्वेश्चन, हम वैसे ही करेंगे, ठीक है ना। हम मान लेते हैं, चलिए क्योंकि इससे हमें सिमिलैरिटी निकालनी है, तो हम ये मान लेते हैं कि पहले जो गांव की जनसंख्या थी, पॉपुलेशन थी, वो मान लीजिए थी पी। ओके, तो एक साल बाद कितनी बढ़ गई, वो एक साल बाद हो गई 4% बढ़ गई, यानी अब हो गई 1.04। 4% का मतलब 0.04, इतनी बढ़ गई। ये तो हुआ पहले साल में। इसके बाद अब क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम में फिर 4% बढ़ गई, यानी अब कितनी हो गई, 1.04। ठीक है, यहां तक हुआ दूसरे साल में। तीसरे साल में क्या हुआ, फिर से वो 4% बढ़ गई, यानी हुआ 1.04। ठीक है ना, तो यानी ये हो गया p इंटू 1.04 टू द पावर 3, और एक्चुअली यही हम यहां से देख रहे थे। तो हम इसको फॉर्म एज अ फॉर्मूला याद रखें तब भी ठीक है, अगर हम नॉर्मली जैसे करते आ रहे थे हम वैसा करें तब भी ठीक है। मैं आपको यही बात बताना चाह रहा हूँ, है ना। तो यहाँ हम इसको ऐसे करते आ रहे थे कि हम लिखते थे p और उसको 1.4 से मल्टीप्लाई करते थे, फिर 1.4 से मल्टीप्लाई करते थे, फिर 1.4 से मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है ना। तो ऐसे मल्टीप्लाई करके भी यही आंसर आना है, तो ये हमारा आंसर है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मैं इस क्वेश्चन को यहां से हटा देता हूं ताकि एक स्क्रीन पे रहे क्वेश्चन, और ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 8000। ओके, इट इंक्रीजेस बाय 10% ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर एंड बाय 20% ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर। वॉट इज द पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर। ठीक है, ठीक है, हम इसे देख लेते हैं। अगर हम सिंपल तरीके से करें तो मान लीजिए पहले पॉपुलेशन थी पी, अब पहले ईयर में क्योंकि वो 10% बढ़ी, यानी अब वो हो गई 1.1, और दूसरे ईयर में क्योंकि 20% बढ़ी तो अब हो गई वो 1.2। तो एक्चुअली मेरा आंसर हुआ 1.1 इंटू 1.2 इंटू पी। पी की वैल्यू मैं यहाँ 8000 रख के इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ। नहीं तो सिंपल एक तरीका ये भी है, जो फॉर्मूला हम एक्चुअली देखते हैं वो हुई 1+R1/100 इंटू 1+R2/100। ये फॉर्मूला हमको बताया जाता है, तो आप इससे निकालेंगे तो इससे भी यही आएगा, ये आएगा पी 1+10/100 और 1+20/100। तभी भी आप देखोगे ये यही आएगा, ठीक है ना। तो ये भी यही फॉर्मूला है, हम इसको कैसे यूज कर रहे हैं बस हमें ये देखना है। तो अब हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं, हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं कि अभी तक जो हम कर रहे थे अगर हम उसी को कंटिन्यू करें तो हमें एक्चुअली बहुत सारे फॉर्मूले याद रखने की जरूरत ही नहीं है, है ना। और अगर आप फिर भी याद रखना चाहते हैं तो वो आपकी इच्छा है, मालूम होने भी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्चुअली जो हम कर रहे थे वही बेसिक है। अब हम इसको देखते हैं, मान लीजिए थर्ड वाला क्वेश्चन है हमारा कि पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज 10,000 इंक्रीजेस बाय 10% ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर, ड्यूरिंग सेकेंड ईयर इट डिक्रीजेस बाय 20% एंड इंक्रीजेस बाय 30% ड्यूरिंग द थर्ड ईयर। तो हम ये देख रहे हैं कि पहले साल में तो वो बढ़ रही है 10%, नेक्स्ट ईयर वो घट रही है 20%, और फिर उसके थर्ड ईयर में वो बढ़ रही है 30%। वो वेरी सिंपल, मान लीजिए पहले पी थी तो पहले साल में कितनी बढ़ी, 10%, यानी हो गई 1.1। ओके, फिर उसके बाद वो कितनी घटी, 20%, यानी 80% रह गई, तो इंटू 0.8, और 30% बढ़ी थर्ड ईयर में, इट मीन्स 1.3। तो मुझे ऐसे इसे को मल्टीप्लाई कर देनी है और इसको बराबर रख देना है, पी की वैल्यू 10,000 रख के जो भी मेरी वैल्यू आएगी वही मेरा आंसर होगी। या इसको अगर हम फॉर्मूले से याद करना चाहेंगे तो हम इसे लिखेंगे पी 1+R1/100 इंटू 1-R2/100, माइनस इसलिए लगाया क्योंकि डिक्रीज हो रही है, इंटू 1+R3/100। ठीक है ना,
तो इट्स वेरी इजी, इसलिए हम इसको कैसे भी करेंगे, अगर हम यहाँ R1 की वैल्यू 10 रख देंगे, यहाँ 20 रखें R2 की वैल्यू, यहाँ 30 रखें, तो हमारी हमारा वही इक्वेशन लौट के आएगी। तो ये जो क्वेश्चन है ये हम देख सकते हैं कि या तो आप फॉर्मूला बेस्ड एकदम करें तभी भी यही आंसर आएगा, या आप सिंपली जो हम अभी तक जनरल तरीका फॉलो करते आ रहे थे वैसे करेंगे तब भी वो आंसर वही आएगा। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन क्योंकि पूछे जाते हैं तो हमने यहाँ उन्हें डिस्कस कर लिया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, इनको हम सॉल्व नहीं कर रहे थे, इनको हम ये देख रहे थे कि इनका क्या कंसेप्ट है। सॉल्व करना इज नॉट दैट टफ, वो हम कर सकते हैं, लेकिन हम इसको यहाँ कंसेप्ट क्लियर करना चाह रहे थे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, आकाश स्कोर 73 मार्क्स इन सब्जेक्ट ए, ही स्कोर्ड 56% मार्क्स इन सब्जेक्ट बी एंड एक्स मार्क्स इन सब्जेक्ट सी। मैक्सिमम मार्क्स इन ई सब्जेक्ट्स वर 150। द ओवरऑल परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाई आकाश इन ऑल थ्री सब्जेक्ट्स टूगेदर वर 54%। हाउ मैनी मार्क्स डिड ही स्कोर इन सब्जेक्ट सी। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आकाश ने सब्जेक्ट ए में 73 मार्क्स जो है उसे मिले, सब्जेक्ट बी में उसे 56% मार्क्स मिले, और सब्जेक्ट सी में मार्क्स हमें मालूम नहीं है, मान लीजिए एक्स मार्क्स मिले। और उन्होंने ये बता रखा है कि जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो हर सब्जेक्ट के 150 हैं। तो और उसने ये भी कह रखा है कि तीनों जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें ओवरऑल जो उसको परसेंटेज ऑफ मार्क्स मिले हैं वो 54% मिले हैं। तो हाउ मैनी मार्क्स डिड ही स्कोर इन सब्जेक्ट सी। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है ना वो एवरेज और परसेंटेज दोनों का एक मिक्स क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो हम ये देख लेते क्योंकि एवरेज जो है 54% है, तो एक्चुअली यानी तीनों सब्जेक्ट में उसे 54% मार्क्स ऑन एवरेज मिले हैं। तो हम पहले निकाल लेते हैं कि 150 का 54% क्या है, तो हम वो निकाल लेते हैं। हम देखते हैं 150 का 54% इज इक्वल टू, कैलकुलेट कर लेते हैं, तो वो आता है 81, यानी 81 मार्क्स उसको हर सब्जेक्ट में ऑन एवरेज मिले। तो यानी उसे तीनों सब्जेक्ट में टोटल मार्क्स कितने मिले, उसको तीनों सब्जेक्ट में टोटल मार्क्स मिले 81 × 3 यानी 243 उसको टोटल मार्क्स मिले, ठीक है। और ये हम जानते ही हैं कि ए में उसे 73 मार्क्स मिले, बी में उसे 56% मार्क्स मिले, तो 56% मार्क्स को भी चेंज कर लेते हैं। 150 का 56% कितना हुआ ये हम निकाल लेते हैं, तो 150 का 56% कितना हुआ देख लेते हैं, तो वो आता है 84, तो ये आ गया 84। सी की हमें वैल्यू निकालनी है, तो 73 प्लस 84 प्लस एक्स इज इक्वल टू 243 ये होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि टोटल मार्क्स जो हैं वो 54% थे, 54% थे ऑन एवरेज, मतलब कि 81 मार्क्स ऑन एवरेज हर सब्जेक्ट में थे, इसलिए मतलब तीनों सब्जेक्ट में टोटल मार्क्स कितने रहे होंगे 243। यहाँ हमने इंडिविजुअली मार्क्स निकाल लिए, ए में 73 मार्क्स थे, बी में 56% मार्क्स है यानी 84, सी में हमने, अब सी का हम निकाल लेते हैं क्योंकि इन तीनों का सम होना चाहिए 243। तो एक्स इज इक्वल टू 243 माइनस 157 एंड दैट इज इक्वल टू 86 यानी ऑप्शन टू। अब ये तो वो तरीका हो गया जो हम मैथमेटिक्स में नॉर्मली करते हैं, अब हम थोड़ा इससे डिफरेंट अप्रोच लेते हैं, ठीक है ना। तो हम डिफरेंट अप्रोच में, डिफरेंट अप्रोच क्यों ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं कि थोड़ा हमको, हम इसको फास्ट कर पाए, और ये कोई ट्रिक नहीं है कि हम इसको ट्रिक समझें कि कोई ट्रिक है, लेकिन हम देखते हैं इससे हमारे कुछ कंसेप्ट जो हैं वो डेवलप होंगे, तो हम इसको देख लेते हैं। तो हम इसे देखते हैं, एक्चुअली क्वेश्चन में क्या होता है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो उसकी इंफॉर्मेशन है ना, अगर हम उसको अच्छी तरीके से थोड़ा देखें, रखे लिख के देखें, या उसे हम अच्छी तरीके से डिफाइन कर पाते हैं, तो हम बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आसानी से देखते ही हल कर लेते हैं। तो हम इसको अगर लिखें ए बी और सी, ठीक है, ए के मार्क्स हैं 73, बी के मार्क्स हैं 56% और सी के मार्क्स हैं एक्स,
यहाँ हम लिखते हैं 54%, 54%, 54%, ओके। और इन सब का बेस कितना है 150, ओके। हमें देखना है क्योंकि ऑन एवरेज 54% मार्क्स मिले हैं, तो इसका मतलब सभी में उसको 54 54 54 मार्क्स मिलने चाहिए, 54% सॉरी। और लेकिन यहाँ बी में उसे 56% मार्क्स मिले हैं, यानी कि एक्चुअली उसको 2% ज्यादा मिल गए, यानी कि मान लीजिए 2% उसे यहां कम मिले तो भी बराबर हो जाएगा। या हम इसको दूसरी तरीके से ऐसे ना कह के, हम इसे ऐसे कहते हैं समझने के लिए कि यहां एक्चुअली उसको टोटल मार्क्स चाहिए थे, यहां इसको टोटल मार्क्स चाहिए थे 54 × 3%, यानी 162% मार्क्स चाहिए थे, ठीक है ना। लेकिन 56% बी में वो ला चुका, तो 56 इसमें से घटा देते हैं, ठीक है ना। 56 में घटाते हैं तो बचता है 106%। ये सब मुझे करने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं से देख के बता सकता था, क्योंकि मैं यहीं से देख के बता सकता था कि यहां 2% वो मार्क्स ज्यादा ले आए, यानी इस जगह उसे, मान लीजिए इसे इस जगह 52 लाने हैं, इस जगह 54 लाने हैं, मैंने दोनों को सम कर लिया, यानी 106% मार्क्स अब उसको लाने हैं, ठीक है ना। तो हम निकाल लेते, हम निकालते 150 का 106%, ठीक है। तो वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, वो कितना आएगा, तो वो आएगा 159, और उसमें से 73 मार्क्स हम घटा देते हैं तो ये आएगा 86, यानी 86, 73 तो वो ए में ले आया था, तो अब वो सी में लाने हैं उसे एक्चुअली 86। तो एक्चुअली मेरा क्वेश्चन क्या बना, मैं लग रहा है देखने में तो लग रहा है कि हमने कुछ गेन नहीं किया, लेकिन हमने काफ़ी गेन किया। अगर हम इसको शुरुआत से देखें तो हमने क्या गेन किया, हमने ये गेन किया कि हम इसको ये देखते पहले ही पढ़ के कि बी में उसने 56% मार्क्स लाए हैं, ठीक है ना। यहां से मेरा क्वेश्चन शुरू हो जाता, इट मींस बाकी जो और बचे दो हैं, इसमें उसे यहां उसे 54 लाने थे, यहां 54 लाने थे, लेकिन यहां क्योंकि वो 2% एक्स्ट्रा ले आया है, इसलिए उसे यहां पे किसी एक में 52 लाने हैं और यहां पे 54 लाने, या यहां 53 लाने हैं, यहां भी 53 लाने, यानी इन दोनों के टोटल सम से 2% कम लाने हैं, तो यानी 106% लाने। ये मैं अंदाजा देखते ही लगा ले, मेरे को लगा लेना था यहां पे, ये गैस मेरे को देखते ही करना है, गैस नहीं मतलब कैलकुलेशन ये देखते ही होनी है कि 56% जो है वो एक में ले आया है, यानी बाकी दो में उसे कितने लाने थे, 108 लाने थे, लेकिन अब उसे एक्चुअली 106 लाने हैं, क्योंकि यहां वो 2% एक्स्ट्रा गेन कर चुका है। तो मेरे को सीधा ही लिखना था अगली लाइन में कि 156 150 का 106% इज इक्वल टू व्हाट, तो वो हमने कैलकुलेट किया 159, और 159 उसको यानी टोटल मार्क्स लाने थे जिसमें से 73 वो ला चुका, तो हमने -73 करना है और दैट इज इक्वल टू 86। तो ये जो क्वेश्चन है ये लगभग लगभग दो लाइन का क्वेश्चन है, तो हम इसको देख सकते हैं कि हमने इसको कैसे किया। तो यहाँ हम अपना परसेंटेज का जो टॉपिक है वो कंक्लूड करते हैं। परसेंटेज में काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, ये हम देख ही चुके हैं अपने एग्जामिनेशन में। अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है जो आप हमसे डिस्कस करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उन क्वेश्चन को लिखिए। अगर हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चन ठीक ठाक आए, नंबर्स उनके आए, तो हम उन पर भी एक वीडियो बनाएंगे और वो अपलोड करेंगे। आप परसेंटेज के क्वेश्चन काफ़ी करिए, क्योंकि जब तक इसका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा आप उसको बाय हार्ट नहीं करते। अगर आप कोई नई ट्रिक या नई टिप सीखते हैं तो आप उसको बाय हार्ट करिए। उसका करने का तरीका यही है कि आप अधिक से अधिक क्वेश्चन उसके सॉल्व करिए। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी वो आपको हैंडी होगा वो टूल, वरना आपने कोई नई ट्रिक सीखी आपने उसे यूज़ ही नहीं किया तो आप उसको एग्ज़ाम में यूज़ नहीं कर पाएंगे।
आप उसको एग्जाम में यूज कर पाए, आपके माइंड में वो तुरंत क्लिक करे, इसके लिए जरूरी है कि आप अच्छे खासे क्वेश्चन उस पर करिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो दोस्तों एवरेज पे बनाएंगे थोड़े दिनों बाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा इस पे आप अपने कमेंट दीजिए, इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप इससे जुड़े रहें। और अगर आपको लगता है कि हमारे इस वीडियो में कोई कमी है तो आप उसको बताइए, हम अगले जो नेक्स्ट वीडियोस हैं उनमें उसको जरूर ध्यान रखेंगे। तो अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।